बहुत घटिया परसेंटेज बनाया, देखे मत, इसको घर जाके देखेंगे और उसको सुनाएंगे अच्छे से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, आए हो सब ठीक होंगे? हम भी बिल्कुल ठीक है। तो बहुत दिनों बाद स्वागत है आपका हमारे घर में। बहुत दिनों से केदारनाथ घूम रहे थे, पहाड़ घूम रहे थे, दिल्ली घूम रहे थे, अब आ गए घर वापस। तो फिलहाल तो आज देखो क्या क्या काम है। आज पहले तो बच्चों को जाके मार्कशीट लेके आना, रिजल्ट आने वाला, तो उनका रिजल्ट लेके आएंगे। और मम्मी की तबियत खराब है तो हो सकता है मम्मी को डॉक्टर के पास तो नहीं लेके जाएंगे, मम्मी को कुछ हैवी फूड देंगे जो मम्मी की तबियत ठीक हो जाए। 9:22 हुआ और अभी से छत पे आने की इच्छा नहीं हो रही है। राजस्थान में अभी टेम्परेचर 49 क्रॉस कर चुका है। बहुत दिनों बाद स्कूटी से मोटर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। आपने बहुत दिनों से सिर्फ बुलेट ही बुलेट देखी होगी, अब स्कूटी देखने का मौका मिलेगा। तो गाइस फिलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी के लिए कुछ फ्रूट वगैरह लाने के लिए। मम्मी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है, जब से आज से मम्मी की हालत में कोई सुधार नहीं है। पिछले 5-6-7 दिनों से मम्मी ऐसे पड़ी हुई है। मम्मी खीरा लिया है, खा लेना, और फ्रूट कुछ मिला नहीं, उसने कहा फ्रूट आएगा बाद में। तो फिलहाल तो यार खाना खाने का टाइम हो गया। खाने में दाल चावल भुजिया और ये लौकी का कुछ बना हुआ है। खाना खाने के बाद हम लोग जाना इनका रिजल्ट लेने के लिए। इनका रिजल्ट आने आ गया होगा अब तक, तो शायद 10 बजे से इनका रिजल्ट बटने वाला और 11 बजने वाले हैं। तो खा के फटाफट बस निकल ही लेंगे। तो फिलहाल जा रहे भाई बच्चों का रिजल्ट लाने के लिए, देखते किसी क्या परसेंटेज बनी है। तो लोवर में जाएगा कैसे, गमछा वमछा बांध के स्कूल में, बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा। राजस्थान की धूप तो बहुत कड़क वाली पड़ रही है। देखो पवन ने गमछा ले लिया, मैंने टोपी ले लिया, अब जाते हैं भाई बच्चों का रिजल्ट लेने के लिए। सिर्फ निकिता और के का रिजल्ट आएगा, इसका तो बाद में आएगा, इसकी बोर्ड थी ना तो इसका तो बाद में आएगा। जय श्री कृष्णा, पार लगाना, ऐसा बोल बोल के पूरे ब्लॉग में हमने आपको बताया था। अब बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब भगवान हमारे साथ है हमेशा, क्योंकि पास पास रहते हैं तो भगवान हमेशा साथ रहते हैं, दूर में भगवान को याद करना पड़ता। कुछ समय पहले यहाँ पे पहाड़ था मिट्टी का, लेकिन अब साफ हो गया, अच्छी बात है, लेकिन कीचड़ हो रखा है। तो स्कूल बंद होने देखो इन गलियों में सन्नाटा छा गया, वरना इस गलियों में ना थोड़ा सा भीड़ रहता था, कम से कम चहल पहल रहती थी। निकिता का तो यहाँ से आ गया, लेकिन अब के का लाने के लिए हमको उधर जाना पड़ेगा छोटी वाली बिल्डिंग में। बहुत घटिया परसेंटेज बनाया, देखे मत, इसको घर जाके देखेंगे और उसको सुनाएंगे अच्छे से। के और निकिता दोनों का रिजल्ट आ गया। देखो लड़की का पिंक दिया है और लड़के का येलो दिया है। के तो अच्छे नंबर आए, के आए 800 में से 794, यानी अच्छे खासे परसेंटेज। वो पहले बता देते उनको ये आने वाला तुम्हारा, बस वो याद करके ले जाओ और नंबर लिया अच्छे वाले। दोपहर के 12 बज रहे हैं, अभी भी इतनी भीड़ है। आप देखो यार ये लोग जाते कहाँ हैं, गर्मी के टाइम में घर में बैठो, मस्त कूलर चलाओ। भैया भैया इधर नहीं दबाने का, इधर तो मेरी गाड़ी आएगी। फिलहाल तो मम्मी के लिए फ्रूट्स लेने, पापा के लिए जूस पैक करवाना है। घर में सब बीमार पड़े हुए, सब A to Z, कोई सही नहीं है अभी। रणथंभौर जूस बार यहाँ से करवाएंगे, 2 गिलास मम्मी के लिए जूस पैक, 2 गिलास में तो मम्मी और पापा दोनों पी लेंगे। तू भी कुछ पिएगा क्या? अपन गन्ने का जूस पी लेंगे, गन्ने का जूस सबसे मस्त होता है। बस थोड़ी देर खड़ी कर दी धूप में गाड़ी, और सीट का हालत देखो बहुत गर्म है। अभी आ गया था ना मम्मी के लिए फ्रूट लेना, मम्मी ने कहा जितने फ्रूट होते सब लेके आ जाना, क्योंकि खाना खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं कर रही है। मैं दिन भर फ्रूट से खाऊंगी, गर्मी में वैसे भी ना मम्मी ये सब बीमार पड़ी जाती है, खाने पे ध्यान देती नहीं है बराबर, और फिर जब तबियत खराब होती तो कहती है खाना अच्छा लग रहा है। 200 रुपए की फ्रूट्स लिए, नहीं 100 रुपए की, 105 रुपए की, और 100 रुपए की जूस, यानी 200 रुपए का हो गया। मम्मी को कहता हूँ मैं कि फ्रूट्स भी खाया कर, खाना भी खाया कर, खाना ज्यादा एनर्जी देता, लेकिन मम्मी सुनती नहीं है, मम्मी कहती खाना खाएं ज्यादा। मार्कशीट को अंदर रखता बाहर क्यों निकाल लिया इसको? 12:03 हो गया भाई, मम्मी खा रही है फ्रूट्स। मम्मी की हालत देख के लग ही रहा होगा कि मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मम्मी के सामने पूरे फ्रूट्स रख दिए, मम्मी को जितना एनर्जी हो सके उतना लेगी, खेले मत, इससे ये मम्मी का खाने का चीज है। 5:58 हो गया, मम्मी देखो यहाँ पे पड़ी हुई है, मम्मी तो यहीं पड़ी रहती है, मम्मी का ये है ना हॉस्पिटल रूम हो गया। अभी किससे बात कर रही है, कौन है, कौन इधर सुनो, ए मम्मी क्या बात करती रहती है सबसे, तेरे को पता मौसी से बात किया, तब से मम्मी को एक शंका बैठ गया कि मम्मी को दूसरी बीमारी घुरनी है। 3 रुपए का एक्टोस आया था सुबह, तो चाय टोस्ट का नाश्ता हो जाए। मम्मी तू भी खा लेना, अरे खा ले एनर्जी मिल जाएगी, क्या मरीज की तरह रखती थी। सो गाइस फिलहाल तो अभी हम लोग आए गेहूं लेने के लिए, वो भी इसका गेहूं, मैं नहाने जा रहा था, इसने कहा भैया गेहूं लेने चलते हैं। और हम लोग आगे भाई गांव में, देखो गांव का व्यू, थोड़ा थोड़ा ग्रीनी एरिया, उधर से पूरा सूखा एरिया चालू हो गया, वहां पे देख जंगली बतख। गाड़ी आ गई, इसमें लगा गेहूं, तो बस गेहूं भरवाना पड़ेगा हमको, थोड़ी सी मजदूरी करनी पड़ेगी, मजदूरी के बदले तो कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। एक कट्टा उठाया 70 किलो का, जो पीछे दिखाना वाला, उसमें हालत खराब हो गई है, ऐसे 7 कट्टे। फोन लेके जा ऊपर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट्टा उतरवा देता हूँ उनके। तू और पवन ऊपर ही ना खेल रहे ना, ब्लॉगिंग कर रहे ना ऊपर, ठीक है। एक कट्टा 70 किलो का, और मैंने एक बार में एक कट्टा उठा दिया, ये वाला ऐसे करके ऐसे हाथ में ले लिया, मेरा ये पूरा छिल गया, लहर रहा एकदम। तेरे को पता है वो कट्टा जब मैंने उठाया था मेरी क्या हालत होगी, मेरी हार्ट बीट ना
बेहतर से 172 में पहुंच गई थी। सो गाइस फिलहाल तो मैं नहा धो के हो गया हूं तैयार। वैसे मुझे मेरी धनो भी धोनी थी, मेरी धनो बहुत गंदी हो रखी है, लेकिन अभी क्या थोड़ा सा पानी कटौती चल रही है, ये तो धोना पड़ता है क्योंकि ये बाहर जाती है ना बुकिंग वगैरह पे, इमरजेंसी बुकिंग आ जाती है, तो इस चक्कर उसको धो दिया। धनो को कल धो देंगे जब ना लाएगा तो। गाड़ी में गाना ऑन किया जाए ना, अच्छा लग रहा है, शांति शांति लग रहा है। ऑन हो जाए भाई, बहुत दिनों बाद तो गाड़ी चला रहा हूं, मैं भूल भी गया हूं कैसे चलाते हैं। और ये देखो क्या लग रहा है, एकदम डायमंड्स की माफिक। 9:23 हो गया, डिनर हो गया, और आज बहुत दिनों बाद स्टूडियो के टेबल पे बैठ के मस्त वाली एडिटिंग कर रहा हूं, वरना तो ऐसे ही बैठ के कहीं बेड पे कहीं पत्थरों पे जहां जगह मिली थी वहां बैठ के एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करता था। कई बार तो मैंने कैफे में बैठ के वीडियो अपलोड किया है, उसका ब्लॉग भी बनाया था मैंने, तो आपने देखा होगा। केदारनाथ घूम के आने के बाद इसका सिस्टम हैंग हो गया, इसको थोड़ा सा क्या अपडेट कर रहा हूं। तब तक हम थोड़ी सी बैठ के डिस्कस कर रहे हैं बातें, और कल का ब्लॉग इंटरेस्टिंग आने वाला है। चेहरे पे देखो कितनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है, यहाँ का टेम्परेचर होगा अराउंड 45 के आसपास होगा राजस्थान का। तो अभी तो कह रहे ब्लॉगिंग के चक्कर में पंखा कूलर सब बंद कर रखा, तो भाई पंखा कूलर चलाओ और ये लाइट वाइट बंद करो क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। तो गाइज ये है अभी मेरे रूम की हालत, आप देख सकते हो मेरा रूम तो कम, ये अस्पताल ज्यादा लगता है। एक ये बेड यहाँ पे लग गया, बेड ये तो पहले से था, अब वहां पे थोड़ा सा जगह बचा हुआ एडिटिंग करने के लिए, वो एडिटिंग करने के बाद हटूंगा तो फिर ये ऐसा करके सरका देंगे वहां पे। तो मतलब कि कुल मिला के बोल सकते हैं कि मेरा रूम बहुत बिजी हो रखा है। फिलहाल तो मम्मी खाना खा रही, खाने में क्या मैगी सब्जी रोटी ये सब खा के तेरे को ताकत मिलेगा मम्मी, है तू ये सब खा के बीमारी से लड़ेगी, ऐसे ऐसे खाना खाती है मम्मी, खाना खा चिकन मटन ये सब खा। सो गाइस फिलहाल तो थकान हो रही है, मम्मी डिनर कर रही है, हमने डिनर कर लिया, वीडियो की एडिटिंग सुबह करेंगे, तो अभी क्या करते हैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट देखने के लिए, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्रे करना मेरी मम्मी के लिए कि मेरी मम्मी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, बिकॉज मम्मी की तबीयत जब तक खराब रहेगी जब तक मम्मी हमारा भी तबीयत खराब करेगी थोड़ा थोड़ा। तो फिर अगले बाय, गुड नाइट।